Greetings, dear friends, in the name of the Lord Jesus Christ, our brothers and sisters. Welcome to the Bible study hour of Life Spring Assembly. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका अभिवादन और स्वागत करता हूँ Life Spring Assembly कलीसिया के इस बाइबल अध्ययन के समय में. The Word of God and the knowledge of God's Word is absolutely important to live a victorious and a rich Christian life. और परमेश्वर का वचन और उसका ज्ञान हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम एक समृद्ध जीवन को जीने पाएं. So we have the privilege of studying the Bible. और इसलिए हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम इस बाइबल को पढ़ें. I wish more and more believers will take advantage of such a privilege and attend to these classes. और मुझे पूरा विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा विश्वासी इस बात का लाभ उठाएं और इस बाइबल अध्ययनों का भाग बने. We are studying 1 Corinthians and we are now in chapter 11. और हम पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय पर अपने अध्ययन को रखे हुए हैं. In chapter 11 where Paul discussed very in detail the Lord's Supper and that's what we are studying. और पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में पौलुस बात करता है बड़ी स्पष्ट और गहरे रूप से प्रभु मेज के विषय में, और उसी विषय पर हम अपने अध्ययन को रखे हुए हैं. We know that in the early church the Lord's Supper was a part of a love feast. और हम जानते हैं कि पुरानी पहली सदी की कलीसिया में ये प्रभु भोज एक प्रेम भोज का भाग हुआ करता था. And while they were having this love feast, और जबकि वो इस प्रेम भोज को करते थे, a few moments were set apart for the Lord's Supper. और तब कुछ उसी भोज के बीच में कुछ समय को रखा गया था प्रभु मेज को मनाने के लिए. Breaking the bread and sharing the cup. रोटी के तोड़े जाने और प्याले को पिए जाने के लिए. And unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश, the Corinthian church which was already afflicted by all kinds of problems, वो कुरिन्थ की कलीसिया जो हर प्रकार की समस्याओं से होकर निकल रही थी, also by their carelessness and they created confusion and more problem at the Lord's table. ओ अपनी हल्की रीति, अपने व्यवहार के वजह से, अपने रवैये के वजह से उन्हें प्रभु भोज में भी अलग अलग प्रकार की समस्याओं को लाया. It was supposed to be part of a love feast. और इस भोज को प्रेम भोज का एक भाग माना गया था. And the main problem was there was no love displayed at the time of the Lord's Supper. और जो मुख्य समस्या ये थी कि प्रभु भोज के समय वो प्रेम दिखता ही नहीं है. There was feast. और वहाँ पर खाना तो था. But no love. लेकिन उसमें प्रेम नहीं था. And the reason is. और उसका कारण ये था. There were very rich people. वहाँ पर बहुत धनवान लोग थे. Then middle class people. और मध्य स्तरीय लोग थे. Then lower middle class people. और उसके बाद उसमें मध्य स्तरीय लोगों में भी जो और कमजोर हैं वैसे लोग थे. And then very poor people. और उसके बाद बहुत गरीब लोग मौजूद थे. So while the first three categories of people were able to bring something to eat. जबकि पहले तीन समूह के जो लोग थे वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ला सकते थे. There were a large number of people who were very poor. They could not bring anything. लेकिन एक बड़ा आंकड़ा ऐसे लोगों के समूह का था जो बहुत गरीब थे और वो कुछ भी खाने को नहीं ला सकते थे, और उनमें से ज्यादातर दास थे. So the teaching was, और शिक्षा ये थी, that they bring a love feast, everybody brings together and it is shared with people who have nothing to bring. कि वो उस प्रेम भोज को लेकर के आए और ऐसे लोगों के संग बांटे जिनके पास कुछ भी नहीं है. Then only love is given. और इसी का तभी वो प्रेम दिया जाएगा. But that love was missing. लेकिन वो प्रेम नहीं था. So even in the Lord's Supper time, और इसलिए यहाँ तक प्रभु भोज के समय भी, those who brought something to eat according to their riches, वे जो कुछ खाने के लिए लेकर के आए अपनी धन और समृद्धि के अनुसार, many of them were began to eat and drink and they get drunk and they were having a jolly time. और में से कई सारे खा रहे थे, पी रहे थे और एक मधुमस्त समय को वो बिता रहे थे. They were not sharing with the poor people. लेकिन वो गरीबों के संग अपने खाने को नहीं बांट रहे थे. And the poor people were watching everything and standing there. और वहाँ पे वो गरीब खड़े होकर इन सारी बातों को होता हुआ देखते हैं. There also we have the problem of division. और वहाँ पर भी हम उस विभाजन की समस्या को देखते हैं. And that division became very obvious. और ये जो विभाजन था ये बड़ा दिखने लगने वाला एक विभाजन था. And Paul very strictly decided to bring strong discipline in the conducting
ऑफ लॉर्ड सपर। और इसलिए पौलुस ने इस बात का निर्णय लिया कि वो प्रभु भोज को मनाने में बड़े कठोर अनुशासन को लेकर के आए। एंड आई थिंक इट वाज फ्रॉम दैट पॉइंट द लव फीस्ट वाज स्टॉप्ड। और मेरा मानना यह है कि उस समय से वो प्रेम भोज को रोक दिया गया। इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ ब्रेड, और सिर्फ एक रोटी के टुकड़े के द्वारा, एंड अ स्मॉल कप ऑफ, और एक छोटे से प्याले के द्वारा, दाखरस के द्वारा। एंड बिकॉज़ यू रिमेंबर व्हाट अपोस्टल पॉल, हाउ पॉल रिब्यूक्ड देम। लेकिन क्योंकि आप याद करिए कैसे पौलुस प्रेरित ने इन लोगों को डांटा। मेनी ऑफ यू वर ईटिंग, तुम से कई तो खाते हैं, एंड गेटिंग ड्रंक, और पी मतवाले हो जाते हैं पी कर। डोंट यू हैव अ होम वेयर यू कैन गो एंड ईट एज मच एज यू वांट टू। क्या तुम्हारे पास खाने पीने के लिए अपने घर नहीं जहां तुम जितना चाहो उतना खाओ और पी सकते हो। What a shame it is. और ये कितने शर्म की बात है। Some of you are drunk. तुम में से कई तो मतवाले हैं। And many of your brothers and sisters are just waiting there, watching, and nobody is willing to share. और जबकि कई ऐसे हैं तुम्हारे भाई और बहन जिनके पास खाने और पीने को कुछ नहीं और उनके संग कोई नहीं बांटता। You are not celebrating Lord's Supper. तब तुम प्रभु भोज को नहीं मना रहे। You are abusing it. लेकिन तुम तो इसका तिरस्कार करते हो, इसकी बेइज्जती करते हो। This is a sin. और ये एक पाप है। And then it is there, Apostle Paul brought in to the church very strict disciplined way of conducting Lord's Supper. और तब वहां पर पौलुस प्रेरित ने कलीसिया के लिए प्रभु भोज को मनाने के लिए बड़े कठिन अनुशासन को लाया। And so we are in that passage. और हम वचन के उसी भाग पर हैं। So today the passage is chapter 11 of 1 Corinthians verses 23-26. और इसलिए आज के दिन का जो वचन का भाग है वो है पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक। Pastor Mahendra will read it for us. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आमेन। आमेन। May the Holy Spirit continue to bless us and enlighten us the lessons. होने दे पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अपने अभिषेक को करे और इन शिक्षाओं के ऊपर अपने प्रकाशन को दे। Now in these verses, और वचन के इस भाग में, Paul discusses the real meaning of the Lord's Supper. पॉल उस बात करता है प्रभु भोज के सत्य अर्थ के विषय में। Apostle Paul's instruction says, और पौलुस प्रेरित का निर्देश कहता है, unless you can really discern the meaning of Lord's Supper, you are not, if you don't have that discernment, you are not worthy to partake of it. जब तक तुम सत्य रीति में प्रभु भोज के अर्थ को नहीं समझते तब तक तुम योग्य नहीं हो कि इस मेज में सहभागिता करो। And it is also evident that Paul admits that Jesus Christ discussed with him this subject. और पौलुस इस बात को भी कहता है प्रेरित कि जब तक वो इस विषय में बात ना करे या सिखाए ना तब तक ये कैसे होगा। He says, वो कहता है, what he received from the Lord, he now shares. जो उसने प्रभु से प्राप्त किया उसी बात को वो बांटता है। So from that expression we understand that there was a good discussion about this between the Lord Jesus Christ and Apostle Paul. और वचन के इस भाग को पढ़ने से मानो ऐसा लगता है या माना जा सकता है कि एक अच्छा वार्तालाप पौलुस प्रेरित और परमेश्वर के बीच हुआ। Acts chapter 18 verse 9 says, और प्रेरितों के कार्य उसके 18वां अध्याय और 9वें वचन में लिखा है, Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision, do not be afraid but speak and do not keep silent. कि परमेश्वर पौलुस से कहता है उस रात को कि अब तू डर मत, भयभीत ना हो, लेकिन जो तूने मुझसे सुना है उसे निडरता के संग बोल। Then chapter 22, Acts 22. और प्रेरितों के कार्य उसका 22वां अध्याय। Verse 18. 18वां वचन। Peter says, and saw him saying to me, make haste and get out of Jerusalem,
quickly, for they will not receive your testimony concerning me. तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, उठ और जल्दी करके यरूशलेम नगर से बाहर चला जा, क्योंकि वो तेरी गवाही को ना सुनेंगे और ना मानेंगे. And then chapter 23 verse 11. और उसके बाद प्रेतों का कार्य 23वां अध्याय 11वें वचन में. But the following night the Lord stood by him and said, "Be of good cheer, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome." और उसी रात परमेश्वर पौलुस के सम्मुख प्रकट होकर उससे कहता है, घबरा मत, आनंदित हो जा और दृढ़ता बांध, क्योंकि जिस प्रकार तूने यरूशलेम नगर में मेरे लिए गवाही दी, उसी प्रकार तू रोमियो या रोम में भी मेरी गवाही को देगा. Then chapter 27, और उसके बाद 27वें अध्याय verses 23 to 25, 23वें वचन से लेकर 25वें वचन तक, 27, 23, 25, और 27वां अध्याय 23 से लेकर 25 वचन तक. It says, "For there stood by me this night an angel of the God to whom I belong and whom I serve." और उस रात मेरे सम्मुख परमेश्वर का एक सरदूत प्रकट हुआ, जिसका मैं हूँ और जिसकी मैं सेवा करता हूँ. Saying, ये कहते हुए, "Do not be afraid, Paul." Paulus, तू घबरा मत. You must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you. और तुझे कैसर के समुग प्रस्तुत होना अनिवार्य है, और परमेश्वर ने तुझ पर अपना अनुग्रह किया है, सिर्फ तुझ पर नहीं लेकिन उन सब पर जो तेरे संग इस जहाज पर यात्रा करते हैं. Why did I read all these passages? मैंने क्यों इन सारे वचनों को पढ़ा? Just to make it very clear to you. ताकि इस बात को बड़ा स्पष्ट रीति से आपके समुख रख दूं. That the relationship between Paul and Jesus was so intimate. कि पौलुस और यीशु के बीच का रिश्ता बड़ा गहरा था. That Jesus could discuss matters with his apostle. कि यीशु मसीह अपने प्रेरितों के संग बातों का वार्तालाप कर सकता था. And that is how Paul, everything he preached and everything, all the doctrines, everything, he received directly from the Lord Jesus Christ. और इसी के द्वारा पौलुस प्रेरित ने हर एक सिद्धांत को सीधे रूप से परमेश्वर से पाया. So in the matter of Lord's Supper, और इसलिए प्रभु भोज के विषय में, Apostle Paul says, "That which I have received from the Lord, now I am sharing it with you." वो कहता है, वो बात जो मुझे प्रभु से प्राप्त हुई, उसे मैं तुम्हें भी देता हूँ. Jesus Christ instituted the Lord's Supper on the very night he was betrayed. और यीशु मसीह ने प्रभु भोज की शुरुआत करी, इस अनुष्ठान की शुरुआत करी उसी रात को जिस रात को उसे पकड़वाया जाना था और वो धोखा दिया जाना था. So let us look into some points here. और आइए कुछ बातों की ओर हम अपने मनन को रखेंगे. The first thing is, जो पहली बात है, want you to note this. मैं चाहता हूँ इस बात पर आप थोड़ा ध्यान लगाएं. The meaning of the bread. Oh, रोटी का मतलब क्या है? When Jesus took the bread, gave thanks, and then broke it and giving to his disciples, he said, "This is my body." यीशु ने रोटी ली और उसके लिए धन्यवाद दिया, उसे तोड़कर अपने चेलों को दे दिया और कहा, ये मेरी देह है. There are various interpretations about this statement. और इस वचन के भाग के विषय में कई सारे अनुवाद मौजूद हैं. Some say, कुछ कहते हैं, the bread actually becomes the substance of the body of Christ. कि ये जो रोटी है वो सच में प्रभु यीशु मसीह की देह का एक भाग बन जाती है. When? कब? When a person eats the bread and drinks the cup. जब एक व्यक्ति उस रोटी को खाता है और उस प्याले से पीता है. The bread becomes the actual flesh. तब वो रोटी सच में मांस बन जाती है. And the blood becomes the actual blood of Christ. और वो दाख रक्त सच में प्रभु यीशु मसीह का लहू बन जाता है. That is some people's interpretation. और यही अनुवाद है कुछ लोगों का. Others believe, और कुछ दूसरे ये विश्वास करते हैं, that the elements are the actual substance of Christ's body. कि ये वस्तुएं सच में प्रभु यीशु मसीह के देह का एक भाग है. Yet others believe, लेकिन जबकि दूसरे हाथ पे कुछ का मानना है, that the elements are representation to remind us of his body and blood. जबकि दूसरों का मानना है कि ये तत्व या ये दोनों वस्तुएं एक दर्शाती हैं प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके लहू को. Chapter 10 verse 4. Yes. And all drank the same spiritual drink,
for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था. So, what is the point here? तो कौन सी बात पौलुस बताना चाह रहा है? Just like that rock is the representation of Jesus Christ. कि जिस प्रकार से वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है. That bread, when you take it, become a representation of the body. तब जब आप उस रोटी को लेते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाती है. And when you take the wine, और जब आप उस प्याले को दाखरस के लेते while हैं, that wine itself remain as wine, और वो दाखरस अपने आप में दाखरस ही रहता है. It is a representation of the blood of Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है. And so here the meaning, that is the meaning. और यही यहाँ पर अर्थ है. It is very obvious. और ये खास रीति से बड़ा आसान है. That while the bread does not change and become the actual flesh of Christ. जबकि रोटी बदलकर सच में प्रभु यीशु मसीह का मांस नहीं बनती. And the wine does not change and become actual blood of Christ. और वो दाखरस का प्याला सच में बदलकर उसका लहू नहीं बनता. These two elements will remain as they are, and yet these two are representations of the body of flesh and blood of Jesus Christ. तब ये दोनों उसी बात को दर्शाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की देह और उसका लहू है. That is the meaning. और यही अर्थ है. There is no indication that when you put the bread in your mouth, it is turned into actual flesh of Christ. तब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब आप इस रोटी को अपने मुंह में रखेंगे तो वो सच में यीशु मसीह का मांस बन जाएगा. And another point to note is, और जो दूसरा बात है यहाँ पर देखने के लिए, the phrase used there, for you. और जो वाक्य का प्रयोग किया गया है, तुम्हारे लिए. The body that is broken for you. वो देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई. This word points to the substitutionary nature of Christ's death. और ये वचन का भाग दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो उसने हमारे लिए दिया. Jesus Christ died for us as our substitute. और यीशु मसीह हमारे लिए मर गया हमारी जगह पर. And that means, और इसका मतलब ये है, we should have gone to the cross. कि हमें उस क्रूस पर लटकाया जाना था. I should have gone. मुझे जाना था. We were the sinners. हम वो पापी थे. You should have gone. और आपको उस क्रूस पर लटकना था. So we must understand that Christ went on our behalf in our place. ऐसा हमें ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जगह पर उसने अपने आप को दिया. So let us look at Galatians. और आइए हम गलातियों की पत्री की ओर देखें. Galatians 3. गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय. Verse 13. और 13वां वचन. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है. Hebrews chapter 9, इब्रानियों की पुस्तक उसका नवा अध्याय. Verse 28. और 28वां वचन. It says here, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा. 1 Peter chapter 2 verse 24. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 24वां वचन. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sin might live for righteousness
by whose stripes you were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। He died for us. और वो हमारे लिए मरा। He was sinless. और वो पाप रहित था। He was perfect in holiness. और वो पवित्रता में सिद्ध था। He is the Son of God. और वो परमेश्वर का पुत्र है। Even as a man, he never committed a single sin. और मनुष्य होते हुए भी उसने एक भी पाप ना किया। So it was not necessary for him to go to the cross for himself. और इसलिए ये उसके लिए जरूरी नहीं था कि वो उस क्रूस पर अपने लिए जाए। But he carried our curses. लेकिन उसने हमारे श्रापों को उठाया, our burden of sin, हमारे पापों के बोझ को, and our punishment, और हमारी दंड को, he took, उसने ले लिया, by going to the cross, उस क्रूस पर जाने के द्वारा, that is substitutionary sacrifice, और वही है हमारी जगह पर अपने आप को बलिदान करना, he died for us, वो हमारे लिए मरा. And therefore, we must also properly understand what Christ meant when he told, if you want to follow me, you take up your cross and follow me daily. तो हमें ये भी समझना है कि इसका क्या मतलब है जब उसने ये कहा कि यदि तू मेरे पीछे होना चाहता है तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जा. The meaning there is, उसका अर्थ वहाँ पर ये है, In Christ, you must see yourself. कि प्रभु यीशु मसीह में आपको खुद को देखना है. And you must consider yourself to be dead. और आपको अपने आप को मृत मानना है. In order to experience and enjoy the resurrection life of Jesus. और इसके कि आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसके जीवन का आनंद लें. You need to consider yourself to be dead. With, along with Christ. आपको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के संग मृत समझ लेना है. That is the meaning. और यही अर्थ है. Now you no longer belong to yourself. और अब आप अपने आप के नहीं हैं. You have been purchased with a price. आप एक दाम देकर बचाए गए हैं. So that is the meaning. और यही इसका अर्थ है. When we see the cross. और जब आप उस क्रूस को देखते हैं. And consider yourself to be dead. और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में मृत माने. And the third thing to notice. और जो तीसरी बात हमें देखनी है. The meaning of the cup. और उस प्याले का क्या अर्थ है. Now you understand the meaning of the bread. और आप रोटी के अर्थ को समझ गए हैं. That Christ died for you. कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा. And so. It is no longer you who live. और इसलिए अब आप नहीं जीते. But Christ lives in you. लेकिन अब यीशु आप में जीवित है. And so when you take the bread. और इसलिए जब आप रोटी को लेते हैं. You consider it as you are partaking of the divine nature by partaking of His flesh. तब आप इस बात को समझते और जानते हैं कि आप उसके दैवीय स्वभाव में स्वभावी सहभागिता करते हैं उस ब्रेड रोटी और प्याले में सहभागिता करने के द्वारा. Bread is the representation of His flesh. और ये रोटी उसको दर्शाती है उसकी देह को. Now the meaning of the cup. और अब इस प्याले का क्या अर्थ है? Notice the exact words of the Lord. और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को आप देखिए. This cup is the new covenant in my blood. और ये प्याला मेरे लहू में एक नई वाचा है. The idea is. और यहाँ पर विचार ये है. The old covenant of the Old Testament is set aside. कि जो पुराने नियम की पुरानी वाचा थी उसे अलग कर दिया गया है. And God is establishing a new covenant in my blood. लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह एक नई वाचा को मेरे लहू में बांधता है. That is what he says. और यही बात यीशु कहता है. This cup is the new covenant in my blood. कि ये मेरे लहू में एक नई वाचा है. And the idea of course is the old covenant of the Old Testament is set aside. और पुरानी वाचा को हम पुराने नियम की वाचा को अलग And कर दिया God गया. God is now setting a new covenant with his people. आप परमेश्वर अपने लोगों के संग एक नई वाचा को बांधता है. Who are his people? और कौन उसके लोग हैं? The people of God of the New Testament church which are washed in the blood of Jesus Christ and redeemed by the blood of Jesus Christ. और ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुटकारा दिलाए गए हैं, उनको धोया गया है और प्रभु यीशु मसीह के. And so the basis of the new covenant is the blood of Jesus Christ. और इसलिए नई वाचा का जो मूल सिद्धांत है या रीढ़ है वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू. Not the blood of bulls and goats and other animals. ना कि जानवरों का, भेड़ों का, बकरियों का, सांडों का लहू.
And that is what Hebrews chapter 9 verses 13 to 15 says. और इसी बात को इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं. Let us look into that. इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 13 से 15 तक. क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो. इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्था है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें. See, all the Old Testament sacrifices were pointing towards the sacrifice of Christ on the cross. देखिए किस प्रकार से पुराने नियम के सारे बलिदान प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते थे, उसके क्रूस की ओर. The old covenant with the old people of Israel was established by the blood of bulls and goats. और जो पुराने नियम में जो वाचा बांधी जाती थी उन्हें बैलों, भेड़ों और बकरियों के लहू से बांधा जाता था. And but the blood of these animals could not remove the sin from us. लेकिन इन जानवरों का लहू हमारे अंदर से या हमारे शरीरों से उस पाप को नहीं निकाल सकता. They could only cover the sin. वो तो सिर्फ पाप को ढांक सकता था. And so there was no permanent solution to the problem of sin. और लेकिन इसी कारण वर्ष पाप को लेकर कोई स्थाई उत्तर नहीं था. With the New Testament covenant. लेकिन नए नियम की वाचा के God is now establishing a new covenant. परमेश्वर एक नई वाचा को बांधता है. Setting aside the old covenant. पुरानी वाचा को पीछे कर देता है. And this covenant was marked or signed by the blood of Jesus Christ, the Son of God Himself. और इस वाचा को प्रभु यीशु मसीह के पुत्र ने खुद बांधा है. And the Bible says. और वचन बताता है. His blood speaks better things than what Abel's blood was speaking. कि उसका लहू कहीं अद्भुत और अच्छी रीति से बात करता है हाबेल के लहू से कहीं ज़्यादा. And it is important, therefore. और इसलिए ये महत्वपूर्ण है. How important and valuable is the blood of Jesus Christ? कि कितना महत्वपूर्ण और कितना मूल्यवान ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है. So we cannot. The Bible, the New Testament even tells us, if we sin. After we are washed in the blood of Jesus Christ. और नया वचन में या नई वाचा में ये भी लिखा गया है, अगर हम बचाए जाने के बाद भी पाप करते हैं. If we sin. अगर हम पाप करते हैं. And continue to sin. और निरंतर पाप करते रहते हैं. We are not only crucifying the Son of God again. हम ना केवल प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं. But we are actually trampling on the blood of Jesus Christ. लेकिन हम साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तरे कुचलते हैं. So my brothers and sisters, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, let us understand the meaning of the cup. आइए हम उस प्याले के अर्थ को समझने पाएं. This cup is the new covenant in my blood. और वो कहता है ये प्याला मेरे लहू में एक नई वाचा है. That covenant is in the blood of Jesus Christ. और वो वाचा प्रभु यीशु मसीह में है. And he shed that blood. और उसने ही उस लहू को बहाया है. And when we trust in the blood of Jesus. और जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पर भरोसा रखते हैं. Washed in the blood of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुल जाते हैं. And by taking the wine. और उस प्याले को लेने के द्वारा. Symbolically. और हम इस बात को दर्शाते हैं. We are drinking the blood of Jesus Christ. कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को पीते हैं. And that is how we are justified. और इसके द्वारा ही हम शुद्ध किए जाते हैं. Blood washed salvation. कि हम लहू से धुली हुई उद्धार को या मोक्ष को हमने प्राप्त किया है. And now God, since God has established
a new covenant with his people. और जबकि परमेश्वर ने एक नई वाचा को अपने लोगों के संग बनाया है. And the basis of the new covenant is the blood of Jesus Christ. और इस नई वाचा का जो मूल है वो है उसका लहू. Not the blood of bulls or goats. ना कि बैल, भेड़ और बकरियों का लहू. And there is a fourth thing to consider. और चौथी बात जो हमें देखनी है. Christ said. यीशु ने कहा. Do this whenever you drink it. और कहता है तुम ऐसा ही करो जब तुम इससे पीते हो. He simply told the disciples. साधारण रूप से यीशु मसीह ने चेलों से कहा. To do exactly the way he did in celebrating his supper. कि वैसा ही वे करें जैसा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने खुद उस भोज को करते समय किया. How? कैसे? Set a time aside. एक समय को अलग करेंगे. Take the cup. प्याले को लो. Bless it. उस पर आशीष मांगो. And drink of it. और उससे पियो. Remember, this was missing in Corinthian church. याद रखिए ये बात कुरिन्थ की कलीसिया में मौजूद नहीं थी. They drank the cup. उन्होंने प्याले से तो पिया. But this discipline has not been brought into their practice. लेकिन ये अनुशासन उनके अभ्यास में नहीं आया. Then the next point there is. और जो पांचवी बात हमें देखनी है. In remembrance of me. वो कहता है मेरी यादगार में इसे किया करो. Do this whenever you drink it in remembrance of me. कि इसको ऐसे ही किया करो जब कभी तुम करो मेरी यादगार में. The Lord's Supper has one and only one purpose. और प्रभु भोज का सिर्फ एक और एकमात्र ही उद्देश्य है. To focus our whole attention upon the Lord. कि हम अपने पूरे ध्यान को प्रभु पर केंद्रित करने पाएं. That is the point. और यही वो बात है. Our whole attention. हमारा पूरा ध्यान. It is all about Jesus Christ. और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के विषय में. The body is of Christ. और ये देह प्रभु यीशु मसीह की. The blood is of Jesus. और ये लहू भी प्रभु यीशु मसीह का है. So the whole concentration. और इसलिए पूरा ध्यान. Our whole focus. हमारा पूरा ध्यान. When we come for this. और जब हम इस बात के लिए आते हैं. Should be on the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह पर होने पाए. Upon him and upon him alone. सिर्फ उस पर और सिर्फ उसी पर. And so the Lord's people had to center their minds upon him. And him alone. और इसलिए परमेश्वर के लोगों को अपना मन सिर्फ उस पर और सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित रखना है. It is in him that we are made worthy. और ये उसी में है जहां हम योग्य ठहराए जाते हैं. It is not thinking about how worthy I am. और ये इस विषय में नहीं है कि कितना योग्य आप और मैं हैं. How rich I am. और कितने अमीर या धनवान हम हैं. How educated I am. और कितना शिक्षित हम हैं. No. नहीं. These things have no relevance at all. और इन बातों का कोई भी अर्थ नहीं. It is about Jesus. ये सिर्फ यीशु के विषय में है. It is his body. ये इसी की देह है. It is his blood. और ये उसी का लहू है. Amen. Amen. And therefore, और इसलिए, the time of the Lord's Supper is not to be a time of fellowshipping and feasting. और याद रखिए प्रभु भोज का समय वैसा समय ना हो जब हम खाने पीने में अपना ध्यान दें. If at all we fellowship, और अगर हम सहभागिता करते भी all of us together fellowship with one another. हम में से हर एक ही छत के नीचे एक साथ सहभागिता करना. And together when we center our focus on Christ. और जब हम एक साथ मिलकर अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करते हैं. Then he is exalted. तब उसका नाम ऊंचा हो जाता है. Please remember that. कृपया करके इस बात को याद रखिए. Next time you attend a communion service. अगली बार जब आप एक प्रभु भोज में सहभागिता करें. I pray that these points will be in your mind. मेरी प्रार्थना ये है कि ये बातें आपके मन में होने पाए. And one last thing more. और जो अंतिम छठा बात है. The reason for observing the Lord's Supper. कि क्या कारण है कि प्रभु मेज को या भोज को मनाया जाता है. The reason is to proclaim. और इसका कारण है घोषणा करना. What does that mean? और इसका क्या मतलब है? It means to preach. इसका मतलब है प्रचार करना. To declare. और घोषणा करना. And to announce. और या घोषणा लोगों के बीच में उस बात को बताना. That is what it means. और इसी इसका मतलब यही है. It is a time of proclamation. और ये समय है घोषणा का.
We are proclaiming about Jesus. हम यीशु की घोषणा करते हैं. He is coming into this world. उसका आना, उसका आगमन इस संसार में. And his life. और उसका जीवन. And his death, suffering, and death on the cross. और उसका क्रूस पर तारना और सताया जाना और मृत्यु. And on his resurrection. और उसके पुनरुत्थान. So it is all about Christ. और ये सिर्फ सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के विषय में. And his earthly life and his earthly ministry and earthly accomplishment. और उसका पृथ्वी पर जीवन, उसकी पृथ्वी पर सेवकाई और उसका पृथ्वी पर कैसे उद्देश्य को पूरा किया जाए. In other words. और दूसरे शब्दों में. The Lord's Supper is a demonstrated sermon. और प्रभु दूसरे शब्दों में प्रभु भोज या प्रभु मेज एक दिखने वाला प्रचार है. It proclaims वो इस बात की घोषणा करता है. The Lord's death प्रभु की मृत्यु. And the Lord's return और यीशु मसीह का आगमन. Christ died for us और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा. He rose again और वो मरे हुओं में से फिर से जी उठा. All according to the word of God और सारी बातें परमेश्वर पिता के वचन अनुसार. That we may be eternally with him ताकि हम अनंत के लिए उसके संग हो जाएं. Hallelujah Hallelujah. Oh let us remember these truths और हम इन सत्यों को, इन सच्चाइयों को याद रखने. Glory be to God and to God alone. And whatever we are, it is only because of His grace. सारी महिमा और पूरी महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिलने पाए और जो कुछ भी हम हैं सिर्फ उसी के कारण है. His death is a picture of our past. और उसकी मृत्यु हमारे भूतकाल का दर्शन है. And also our present. और साथ ही साथ हमारे वर्तमान का. And also about our future. और साथ ही साथ हमारे भविष्य का. Our past redemption. हम कैसे उसने पहले हमें छुड़ाया. Our present redemption. हमारा वर्तमान में छुड़ाया जाना. And our future redemption. और हमारा वर्तमान में छुड़ाया जाएगा. That is, we were saved. और जैसे कहा जाता है हम बचाए गए थे. We are being saved. हम बचाए जा रहे हैं. And we will be saved. और हम बचाए जाएंगे. And that final stage is our final work of redemption. और वो अंतिम प्रक्रिया या अंतिम भाग हमारे छुटकारे का अंतिम चरण होगा. Why? क्यों? That we may be with him forever and ever and ever. ताकि हम उसके संग युगाना युग तक बरकरार रहें. And we shall be conformed to his perfect image. और हम उसके सिद्ध या उसके जैसे सिद्ध उद्दृश्य बनते चले जाएं. As the Bible says, जैसा बाइबल में लिखा है. At the resurrection time. उस पुनरुत्थान के समय. We the dead in Christ shall rise again. हम जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वो उठा लिए जाएंगे. And we who are alive will be transformed. और हम जो अभी भी जीवित हैं परिवर्तित हो जाएंगे. The resurrected saint and the transformed saint will together be caught up in heaven. और वे जो पुनरुत्थान पाए हुए संत और जीवित संत एक साथ मिलकर पलक झपकते हुए ही उठा लिए जाएंगे. This is our hope. और यही हमारी आशा है. And then we shall be with him forever and ever. और तब हम उसके संग युगानुयुग तक के लिए होंगे. This is our hope. और यही हमारी आशा है. Oh, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों. Let us give the Lord Jesus Christ the honor and glory and praise and worship due to him. आइए हम प्रभु यीशु मसीह को वो आदर, वो महिमा, वो प्रशंसा, वो जलाल दें जिसके योग्य वो है. He alone is worthy. और वही योग्य है. He alone had taken our place and died on the cross. और उसने हमारे स्थान को लिया और हमारे स्थान पर अपने जीवन को दे दिया. And then he rose again. और वो फिर से जी उठा. Thus defeating Satan, sin and death itself. और उसके द्वारा शैतान, मृत्यु और सब को हरा दिया. And given us oh wonderful hope. और हमें एक अद्भुत आशा दी. That's why it is called the living hope. और इसी कारण वह इसे एक जीवित आशा कहा जाता है. Only Christian followers have this hope. और सिर्फ मसीही अनुयायियों के पास ये आशा है. A hope for eternity. और एक ऐसी आशा जो अनंत की आशा है. We follow him with a real purpose. और हम उसे एक सिद्ध उद्देश्य के संग उसका उसके पीछे चलते हैं. We know that we are saved and we are redeemed by the blood of Jesus Christ for that we may live for Jesus
एंड वी मे बी विद जीसस एंड लिव फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। ताकि उसने हमें छुड़ाया ताकि हम यीशु के संग होने पाएं और उसके संग युगानुयुग तक जीते चले जाएं। And may the Lord grant to us और होने दे परमेश्वर हमारी सहायता करे। That we be willing to pay any cost, any price in order to remain faithful to the Lord Jesus Christ। कि हम तैयार हों कि किसी भी दाम को चुकाने के लिए तैयार हों प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य ठहरने के लिए। As the Apostle Paul say, जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, neither life nor death nor persecution nor sword nor nor famine nor nakedness nor nothing can separate us from the love of Christ which is in him। जैसे पौलुस प्रेरित रोमियों की पुस्तक में लिखता है कि ना ही मृत्यु ना ही जीवन ना ही स्वर्गदूत ना ही तलवार ना ही कलेश ना ही दुनिया की कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकती है। Why are we willing to pay that price to remain faithful to him because of this hope we have in Christ। क्यों हम उस दाम को चुकाने के लिए तैयार हैं क्योंकि इस आशा के कारण जो उसने हमें यीशु मसीह में दी है। That we are willing to die in order to live with him forever। और ताकि हम तैयार हैं मरने को ताकि हम उसके संग जीने पाए अनंत के लिए। Glory to God। परमेश्वर के नाम को महिमा। So rejoice। और इसलिए आनंदित हो जाएं। Be faithful to him। परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरे। And when persecution comes। और जब सताव आता है। Let us still rejoice। आइए फिर भी हम आनंदित हो जाएं। Because this is only for a moment। क्योंकि ये कुछ क्षण भर के लिए है। But there is an eternity to rejoice and live and enjoy life। लेकिन एक अनंत हमारा इंतजार करता है। God bless you all। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen। Amen। Holy Spirit of God। परमेश्वर का पवित्र आत्मा। We thank you for your word। हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। Let your word abide in us richly। होने दे तेरा वचन हमारे भीतर बहुतायत से वास करे। And may we remain faithful to you। और होने दे हम तेरे संग विश्वास योग्य ठहरे। And continue to enjoy your grace। और तेरे अनुग्रह का आनंद उठाने पाए। All honor and glory and praise to you। सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। Thank you Lord। धन्यवाद यीशु। Bless your people। अपने लोगों पर आशीष दे यीशु के नाम में। आमेन। आमेन। आमेन।